हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कवई मछली, जो ये मैंने यहाँ पर लिया है देसी कवई की मछली। इसे मैंने बहुत ही अच्छे से घिस लिया था। इसे घिसने के बाद मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और यहाँ पर मैं ली हूँ नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये मैं मछली के साथ मैरिनेट करने के लिए ली हूँ। और यहाँ सरसों का तेल, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, ये मैं मसाले के वक्त यूज करूंगी। यहाँ मैंने प्याज को अच्छे से पीस लिया, एक बड़े साइज के प्याज, और जीरा को मैंने अच्छे से पीस लिया। और ये रहे टमाटर, यहाँ मैंने एक बड़े साइज के टमाटर को चॉप कर लिया है, हरी मिर्च और हरी धनिया के पत्ते। तो चलिए अब मैं मछली को हल्दी पाउडर और नमक के साथ मैरिनेट कर लूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसे मैंने मैरिनेट कर लिया अच्छे से, अब मैं इसको तेल में फ्राई कर लूंगी। तो चलिए अब मैं गैस के फ्लेम को ऑन कर दे रही हूँ। यहाँ मैं डाल दूंगी तेल सरसों का। तो तेल बिल्कुल गर्म अच्छे से हो चुके हैं, अब मैं ये मछली को यहाँ पर फ्राई कर लूंगी। ये फिश को अच्छे से मीडियम फ्लेम में हमें फ्राई कर लेना। तो यहाँ 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं ये मछली को टर्न कर दूंगी नेक्स्ट साइड। ये एक साइड बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए, बस इसे 4 से 5 मिनट और इस साइड फ्राई कर लेना है। 4 से 5 मिनट हो चुके और ये नेक्स्ट साइड भी फ्राई हो चुके बहुत अच्छे से। अब मैं इसे निकाल लूंगी, तेल छान कर अच्छे से निकाल लेना है। तो ये आप देख सकते हैं सारे फिश को मैंने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है और काफी अच्छे कलर भी आ गए इस पे। इसमें यही तेल में मैं ऐड करूंगी ये पीसा हुआ प्याज और जीरा, मैं ये तेल में डाल दे रही हूँ यहाँ पर। अब इसी में मैं ये ऐड कर दूंगी ये सारे पाउडर मसाला। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने यहाँ पे जीरा का फोड़न या फिर 5 फोड़न, कोई भी फोड़न मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, क्योंकि कवई मछली खोने के बाद जो खुशबू निकलती है वो फोड़न देने के बाद बिल्कुल ही नहीं आती है, इसलिए मैं यहाँ पे फोड़न स्किप कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो फोड़न ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ फोड़न, क्योंकि उसके बाद स्वाद जो है मछली का वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ये मसाला को अच्छे से भून लेना है। 4 से 5 मिनट तक मैं यहाँ पे मसाला को भून लूंगी। अब मैं यहाँ डाल दे रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च। अब इसको मैं मिक्स कर ले रही हूँ अच्छे से। अब यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ पानी। इसको मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से भूनना है।
मसाला को मैंने अच्छे से भूज लिया है और तेल भी बाहर आ गया इसके ऊपर, देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। अब इसको अच्छे से चला लेना है। यहाँ मैंने 1.5 कप तक पानी डाल दिया है। अब इसे मीडियम फ्लेम में अच्छे से पकाना है। अब इसे मैं ढक दे रही हूँ, इसे अच्छे से फुटा लेना है 3 से 4 मिनट तक। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैंने खोल देना है यहाँ पर। और ये काफी अच्छे से फूट भी गए। अब मैं यहाँ फ्राई किया हुआ मछली यहाँ पर डाल दूंगी। हल्का हल्का अच्छे से चला लेना है। रख दे रही हूँ यहाँ पर और बस 4 से 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम में पका लेना है ताकि मछली में जो है मसाला भी अच्छे से मिल जाए। चलिए अब मैं खोलकर देखती हूँ, 4 से 5 मिनट लो फ्लेम में मैंने इसे पका लिया है। काफी अच्छे से पक चुके हैं क्योंकि तेल भी ऊपर में साइड साइड आ गए। अब इसको चला ले रही हूँ मैं अच्छे से। अब मैं यहाँ ऐड कर दे रही हूँ धनिया के पत्ते। सारे धनिया के पत्ते मैंने यहाँ पर डाल दिए और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ। आज की ये कवई मछली देसी जो मैंने बनाई थी, ये काफी अच्छी लग रही होगी आप लोगों को, देख सकते हैं। तो ये काफी हेल्दी भी है और प्लस टेस्टी भी है। आप लोग इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए और इसे प्लेन राइस के साथ भी आप खा सकते हैं। इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करें। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।